त्वांगीन बाहुश्य रघुतस्मात् प्रथुसभा अजिस्थितो महाराजा दशरथम अवत। खट्वांग के दीर्घ बाहु के रघु, पहले जावंश को नाम हो सूर्य वंश, अब क्या नाम पड़ गया रघु वंश, रघु राजा ऐसे हुए हैं। अगर रघु राजा की कथा सुना दी जाए तो आप दंग रह जाएंगे, बड़ा श्रेष्ठ राजा हुए। सब लोग सूर्यवंशी ने कह के अब रघुवंशी कहने लगे। खट्वांग दीन बाहुश्य रघु तस्मात् प्रथुसभा अज स्थितो महाराजा दशरथ, इसी वंश में दशरथ, इनकी तीन रानियां कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, संतान नहीं हुई, राजा की गिलानी हो गई, ऐसी गिलानी हुई। ऐसी गिलानी हुई है महाराज मेरे बालक में, गुरु के पास गए हैं अपने मन की बात गुरुदेव को सुनाई। गुरुजी ने कही एक काम करो, ऐसे ब्राह्मण को बुला के लाओ जो कभी गृहस्थों के घर नहीं गए हो, बे यज्ञ करे तो यज्ञ से तुम्हें फल मिलेगा। ऐसे ब्राह्मण कौन से महाराज, ऐसे ब्राह्मण तो श्रृंगी ऋषि है, तो जो कभी किसी के घर नहीं गए तो हमारे घर कैसे आ जाए। गुरुजी ने कही जिम्मेदारी मेरी है, तो वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को लेके आए और यज्ञ कराया, और यज्ञ कराने के बाद में यज्ञ का देवता खीर लेके निकला है, और खीर कौशल्या को दी, और कौशल्या ने आधो भागवा में दे करके नहीं केकई को दे दी, और बाऊ में आधी करके नहीं सुमित्रा को, सुमित्रा की खीर को एक पक्षी दे गया चोंच में, और बस वो खीर कितनी जगह डाल दी है, अंजनी भजन कर रही बा के मुंह में चली गई। राजा जनक की खीर गिर गई, हनुमान जी का जन्म हुआ, सीता जी का जन्म हुआ, और फिर भी दोनों ने सलाह बना के अपने में से आधो आधो हिस्सा सुमित्रा को दे दिया है। तीन रानियों के चार बालक हुए, कौशल्या के घर साक्षात भगवान राघवेंद्र, कौन सा वंश है ये, सूर्य वंश। कितने बज रहे हैं, दिन के 12, राम जी का जन्म, सूर्यवंश, राजा रामचंद्र भगवान। अभी तो एकासी आई ना दसे रही, अभी तो जेते जयकारो लगाओ, राजा रामचंद्र भगवान की जय। कौशल्या की गोद में राम जी, केकई की गोद में भरत, सुमित्रा ने दो बच्चों को जन्म दिया है, लक्ष्मण शत्रुघ्न, साथ साथ सब काम हो रहे, नाम रखे गए चारों के, चारों खूब खेलते कूदते पढ़ने जा रहे हैं। विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा, पहले यज्ञ होती तो बड़े राक्षस आ जाते महाराज, राम लक्ष्मण को मांगने विश्वामित्र आए हैं, तो पहले तो गई आओ महाराज जी, और फिर भी ने मांगी थी कह दी गुसाई, क्या कह दिया, सब सुतम हो प्राण की नाही, और राम देत नहीं बने, वैसे तो सर बेटा प्राण तो प्यारे, पर मैं राम है ना दे सकता, राम के लिए जो मने कर रहे थे, क्योंकि राम का दान पहले दशरथ जी कर चुके थे। एक बार दशरथ जी केकई से प्यार ज्यादा करते हैं, वाल्मीकि रामायण में लिखा है जो प्यार दशरथ जी केकई से करते किसी से नहीं करते थे। केकई ये संग लेके जा गया, एक दिन सरी लोक में गए, रथ में अग्नि लग गई, बचाओ बचाओ बचाओ, जटायु की दृष्टि अपार थी, जटायु ने रथ को ले लिया, जटायु की पंख जल गई। दशरथ जी ने कही आज प्राण बचाए तो मांगो, जो मांगोगे सो ही दे दे। जटायु ने कह दी तुम्हारे बच्चा हो तो बड़े बेटा है मोह दे दी। दशरथ जी ने जटायु के लिए बड़े बेटे का दान, सूर्यवंश के छत्री थे दशरथ, चार बच्चे हुए, और जो ही राम का जन्म हुआ सब खुशी हुई, सब देख रहे आए, और दशरथ जी क्या कर रहे हैं, राम है लेके सबर ने दे रहे हैं। तभी तो चौपाई एक लिखी है,
कौन सी चौपाई है? सर्व सदान दीन जिन का हो, सर्व सदान दीन जिन का हो, सर्व सदान दीन जिन का हो, सर्व सदान दीन सब का हो, जो सर्व तुलसीदास जी लिख रहे सब दान दे दो दशरथ जी ने, पता ने लो तन रखो नहीं, तो जिदान वो ही हो राम को दान हो, और राम है दे देते वो सब देख लेते फिर राम है लौटा देते, भाई कोई जावे तो बेटा दे देते दे गोद में ले, और तुम देख के ना ही लौटा देते, इसीलिए तुलसीदास जी लिख रहे राम सर्वस्व थे, राम को दे देते दशरथ जी ओते ले ले तो ते रखत ना लौटाए के, सर्वसदान दीन जिनकाऊ जो बाबा राखा नहीं दाऊ, राम को लौटा दिया। जटायु दिखाई दे गयो, जटायु तक ले जाओ राम है, जटायु ने गवे ही नहीं दूध पिए वो जी बड़ो है जाओ तब ले भी आ जाओ, तो नो जटायु तो आई नहीं पाओ तो नो विश्वामित्र आएगी ले भी, तब दशरथ जी कह रहे हैं सबको दे सकता हूँ पर राम देत नहीं बने गुस्साए, वशिष्ठ जी ने कहीं गुल पैसे थोड़ी लेने आए, विश्वामित्र ले गए तारका का वध किया, उन्हीं दिन सीता का स्वयंवर हो रहा था, जो माला धनुष तोड़ देगा सीता माला पहना दे, कितने कितने राजा आए किसी की हिम्मत नहीं और राम जी खड़े नहीं हो रहे थे, गुरु जी ने इशारा कर दिया तो राम जी ने एक मिनट में मारा, धनुष के दो खंड कर दिए, और जो ही धनुष तोड़ो सीता माला लेके आ गया, कितनी स्त्रियां थी, राम जी लंबे सीता जी, सब स्त्री कहने लगी भैया राम जी ते झुक जाओ, झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी बारी, झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी बारी, हरि जय हो, लक्ष्मण जी ने दूसरा उपाय किया, राम के चरणों में लेट गए, राम जी लक्ष्मण को खड़ा करने लगे, सीता ने माला माला पहन के ताली बजा दी, सीताराम भगवान की, चंद्र भगवान की, जैसे माला पहनाई है माला पहनाते ही महाराज के गुरु की आज्ञा का वचन न मुझको छोड़ना था, और शिव धन सही उठा के भरी सभा में तोड़ना था, गुरु की आज्ञा का वचन न मुझको छोड़ना था, गुरु की आज्ञा भाग
माहौल एकदम परशुराम जी करने लगे, किसने शिव का धनुष तोड़ा है? कुछ बात कहना चाहते थे। जितने भी राजा थे और राजा सब इधर उधर हो गए। कुछ तो कहने लगे बेशक राम ने धनुष तोड़ो है, सीता धनु ले जा। और परशुराम में देख के तो सब टिड़ी विड़ी है गए महल बुली। कछु तो कुछ उनके नीचे घुसे गए, तब तो बल दिखाए रहे नहीं कि हम सीता ले जा। परशुराम ने फरसा दिखा के कहा जल्दी बताओ वो मेरा दुश्मन कहा है जिसने शिव धनुष तोड़ा है। राम जी कुछ बोले, लक्ष्मण जी बीच में कहने लगे अरे बचपन में उन्हें बड़े धनुष तोड़े थे, जा धनुष देखो जी महात्मा तुम्हारा प्यार ज्यादा लगता है। अंत में परशुराम को झुकना पड़ा और राम जी के चरण वंदना की। परशुराम जी चले गए, सबको बुलाया है, साथ साथ में सब भाइयों का विवाह हुआ। चार बहू घर में एक साथ आ रही है, तीनों सुमित्रा इत्यादि आरती उतार रही है। दशरथ जी ने की आरती तो उतार रही हो पर मेरी बात सुनो, आज से दूसरे घर की बेटी तुम्हारे घर आई है, चार बात मानना। जितनी सास बैठी है सावधान होके सुनो, तुम्हारी बहू आ गई है ना, सावधान होके सुनो। पहली बात, कथा सुनने जाना, विवाह में जाना, तेल ताई में जाना, लगन में जाना, सब तरह के गीत गाना, पर अपनी बहू की कभी बुराई, शब्द के पैर होते हैं। अगर तुमने किसी के लिए कोई बात कह दी और वो ही बात चल चल के वाके कान में पहुंच जाएगी। दूसरी बात, अगर बहू के मायके वाले आए बाजना मने प्रसन्न रखी हो, ऐसा मोह मत बना लियो, सभी चुगली सी करती रहो। तीसरी बात, सास भी कभी बहू थी, उसके कितने अरमान थे, जब बहू थी तो कैसे रहती थी वो। और चौथी बात देखो जी लिखी है, ये मत सोचियो कि पंडित जी अपनी तरफ से कह रहे हो, जी लिखी है, बदूलरी कीनी पर घर आए, बदूलरी बेटी हमारे घर आई है बहू बनके, ये हमारा धर्म की बेटी है। बहू के प्रति ऐसा व्यवहार रखना, ऐसा व्यवहार रखना जैसे इन आंखों की रक्षा पलक करते हैं, दशरथ जी ने कहा इस प्रकार इनकी रक्षा करना। चारों बहू रह रही हैं, कुल रीति हो रही है, देश रीति हो रही है, हमारे घर जो रीत रिवाज है वो करनी चाहिए। कुछ लोग पढ़ लिख जाते हैं, रीत रिवाजों को नहीं करते हैं, बड़ा अपशकुन होता है। घर में जिस देवता की पूजा हो रही है, जिसकी नहीं होती है उसकी नहीं करनी चाहिए, जिसकी होती है उसकी करनी चाहिए। किसी के घर कोई चीज नहीं बनती, किसी के पितर कोई देवता नहीं, भगवान राम परमात्मा है, देश रीत जननी करे, दर पर दुनेन सकुचा। देश के अनुसार जो रीतियां हो रही हैं, राम जी सकचा रहे हैं, सीता जी सकचा रही हैं, फिर भी राम जी कर रहे हैं, बड़ा सुंदर माहौल है। राम लक्ष्मण सीता सहित चारों पुत्र वधुओं से दशरथ जी अयोध्या में रह रहे हैं। अयोध्या उसको कहते हैं जहाँ किसी प्रकार का युद्ध नहीं हुआ है, अवध उसको कहते हैं जहाँ किसी प्रकार का वध नहीं हुआ है। दशरथ जी ने देखा कान के पास में बाल सफेद हो गया है, बस राम को राजा बनाने की तैयारी होने लगी। गुरुजी से मऊ पूछा गया है, गुरुजी ने कहा वही शुभ समय होगा जब राम राजा बन।
फिर क्या था, अयोध्या सजाई जा रही है और सुंदर फूलों से सजा दी अयोध्या, इत्र छिड़क दिए है, जगह जगह मंडप बन गए, खड़ाऊ आ गई, सुंदर सुंदर धनुष बाण मुकुट आ गया राजा के, से सब चीज तीर्थों से जल मंगाए, राम राजा बनेंगे। और बस देवतन ने मालूम पड़ी, देवतन ने सरस्वती माँ से कहा, ओ मैया।